बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ शलजम गोश्त, वो भी चिकन में। आपने बीफ के साथ तो बहुत दफ़ा खाया होगा, लेकिन चिकन में भी बहुत मज़ेदार बनता है। इसको आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये देखिए, पैन जो है वो गर्म हो चुका है और इसमें मैंने 2 बड़े खाने के चम्मच ऑयल लिया है, वो अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो मैंने अदरक लहसुन का बारीक से मैंने कूट के पेस्ट बना लिया है। इसको हम हल्का गुलाबी होने तक फ्राई करेंगे ताकि इसकी बहुत अच्छी से खुशबू आ जाए। मैंने बारीक पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं लिया, उसको मैंने बारीक कूटा है। आप चाहें तो उसको पिसा हुआ भी डाल सकते हैं इसके अंदर। ये देखिए, अब तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं उसको हमें भूनते हुए। इसके साथ ही इसके अंदर हम चिकन शामिल कर देंगे। ये मैंने 1/2 किलो चिकन ली है। अब इसमें हम अदरक लहसुन के साथ हम इसको भूनेंगे तो इसमें बहुत अच्छी सी स्मेल भी आ जाएगी चिकन में और बहुत अच्छा लगेगा। ये हमने ज़्यादा नहीं, सिर्फ इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा चिकन को, तो हम इसको फिर निकाल लेंगे। फिर इसके अंदर हम और मसाले शामिल करेंगे। इसको हम पहले भून लेते हैं। आप देख सकते हैं कि चिकन जो है उसका रंग चेंज हो गया है। अब इस पर हम इसको निकाल लेंगे सबको। इससे एक तो इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी हो जाती है और ये आधी तो पकी चुकी होती है, तैयार हो चुकी होती है। ये मैंने 2 प्याज ली हैं बड़ी साइज़ के, 2 टमाटर, उसका मैंने बहुत अच्छा सा पेस्ट बना लिया। अब इस जो हमारा तेल बचा है उसके अंदर हम ये पेस्ट डाल देंगे। अब हम इसको बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि जैसे प्याज की खुशबू है, टमाटर बहुत अच्छी तरह से मसाला तैयार हो जाए। तकरीबन हम इसको 10 मिनट तक भूनेंगे। ये देखें, तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं हमें इसको भूनते हुए। ये बहुत अच्छी तरह से भून चुका है। इसके साथ ही इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 चम्मच मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ली है, 1 चम्मच ही मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है, 1/2 चम्मच मैंने इसमें पिसी हुई हल्दी ली है और 1/2 चम्मच इसमें मैंने नमक लिया है। आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे बहुत अच्छी तरह से, जो हमने मसाले डाले हैं वो भुन जाएं। इसके साथ ही जो हमारा प्याज और टमाटर का मसाला है वो भी अच्छी तरह से भुन जाएगा। अदरक लहसुन हम इसके अंदर पहले ही शामिल कर चुके हैं। अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। इसमें देखिए ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए, इसके अंदर अब ऑयल जो है सेपरेट होना शुरू हो चुका है, तो इसका मतलब ये मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भुनकर तैयार हो गया है। इसमें हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। अब हमें इसमें जितना भी पानी शामिल करना है, अगर आपने ज़्यादा पतला बनाना है तो आप वो ज़्यादा ले लें, और अगर आपने गाढ़ा सालन बनाना है तो आप कम पानी डालें, लेकिन पानी थोड़ा ज़्यादा ही डलेगा क्योंकि शलजम गलने में बहुत टाइम लेते हैं। ये मैंने इसके अंदर 2 गिलास पानी ऐड कर दिया है। अब इसमें मैं और शामिल नहीं करूँगी, इसी में हमारा सालन बहुत अच्छी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही मैं इसमें 1/2 किलो शलजम है वो डाल दूँगी। उस पर हम चिकन नहीं शामिल करेंगे क्योंकि चिकन तो हमारे पास वैसे हाफ डन हुई हुई है। सिर्फ हम इसमें अभी शलजम शामिल करेंगे और जब ये शलजम हमारे आधे गल जाएंगे तो उसके साथ ही हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। अब हम चेक करेंगे, 10 मिनट से ज़्यादा ही हो गए हैं पकते हुए शलजमों को। ये देखिए, हाफ डन हो चुके हैं। अब इसके साथ ही हम चिकन डाल देंगे, इसमें शामिल कर देंगे क्योंकि चिकन भी हाफ डन ही है। अब चिकन के साथ शलजम गल जाएंगे। अब हम इसको ढककर 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर छोड़ देंगे तो ये हमारा बहुत अच्छे से सालन तैयार हो जाएगा। ये देखिए, बहुत अच्छी तरीके से सालन पक के तैयार हो चुका है। शलजम भी गल गए हैं और चिकन भी बहुत अच्छी तरीके से गल गई है। इसमें हम इसके अंदर 1/2 चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ डालेंगे।
ये 4 से 5 हरी मिर्चें हैं वो डाल देंगे कट लगा के, और हरा धनिया डाल देंगे। मैं आपको डिश आउट करके इसके फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये इसका आप फाइनल लुक देख सकते हैं। ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है जो बहुत ही जल्द बन जाती है और खाने में भी बहुत मज़ेदार होती है। इसको आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो उसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।